विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 9वीं अतीत के पत्र लेखक विनोबा और गांधी जी द्वारा रचित पत्रात्मक पाठ का अध्ययन अध्यापन हम आज करेंगे। विनोबा जी गांधी जी को पत्र लिखते हुए कहते हैं, परम पूज्य बापू जी एक साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौटाऊंगा, पर एक साल बीत गया फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। मैंने मामा फड़के को 1-2 पत्र लिखे थे, आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, मैं ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने का और देश सेवा करने का निर्णय लिया। उसके बाद मैं हाईस्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ। उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वायु में नारायण शास्त्री मराठे नामक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वायु में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह विस्तार से बताता हूँ। जिस लोभ के खातिर इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6-8 से अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक नमक खाया, बाद में उसे भी छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और अजन्म नमक और मसाले खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर नहीं चल सकता, फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीने केले दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। धन्यवाद।